हेलो जी रखिए, लगाते हैं जब के पास कॉल। हेलो आपका वेट कर, हेलो जी जी बोलिए। लगा रहा हूँ कॉल, मतलब वेट कर रहा था आपका। कौन बोल रहे हैं आप? अरमान राजा। कहाँ से? आसाम से। आपने पहले कॉल की थी ना मेरे को? मैंने तो किया था। बोलिए, आप कहाँ से बोल रहे थे? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। तो पता है, थोड़ा देर पहले आपसे बात हुआ था ना? नहीं, मेरे साथ बात नहीं है अभी तक। अच्छा अच्छा, ये टू है। तो जम्मू कश्मीर से तो एक आदमी और फोन किया था मोटा मोटी 6 बजे के पास में। नहीं, किसी और नहीं किया होगा। आप कौन बोल रहे हैं? और आपने मुझे कॉल की थी, मैं थोड़ा बिजी था तो अभी मैं बैक कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने किया था। जी जी, आयुब भाई के पास आते हैं क्या? किसको? आयुब। आयुब कहाँ से है? कश्मीर से? नहीं, आसाम। आसाम से? आयुब को तो नहीं जानता मैं किसी को, तो वही तो नंबर दिया है। आयुब पूरा नाम, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम जो ट्रू कलर में लिखता है वही। तो पूरा नाम उनका क्या है? चलो 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 खान। अच्छा, ऐसे आसाम का मेरा एक दोस्त अयूब नहीं है, अयूबी है। अयूबी? हाँ ठीक है, वही होगा क्योंकि इसमें लिखता है अयूब लिखता है। हाँ, सुल्तान अयूबी है, शेख सुल्तान अयूबी। आसाम से? जी जी, आसाम से है वो, शेख सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। उनका एक टेलीग्राम पर एक चैनल चल रहा है, अयूबी बुक सेंटर चल रहा है उनका। तो बताएं क्या काम है? लास्ट में डबल थ्री है ना उनका? मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन अगर टेलीग्राम पे उनका ग्रुप है तो वही होंगे। वही मैं उनका कॉल समय बात हो रहा था। तो फरमाए। तो फरमाए मतलब वो हमसे बोल रहे थे ना? क्या बोल रहे? आप इनसे बात कर लीजिए। हम बोले कि हम क्या बात करेंगे, तो बोल रहे थे आप जो बात मतलब जो मतलब पे बात कर रहे थे उसकी, मतलब हम उनसे बोले कि हुजरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने का भाई है, तो ये बोल रहे थे ना नहीं है। अच्छा, यही पूछना था। ये पूछना था आप क्या करते हैं फिलहाल इन फ्यूचर? आप क्या काम क्या करते हैं? हम जी पढ़ते हैं ना? पढ़ते नहीं है। कहाँ तक पढ़ा आपने? बिजनेस में करता हूँ। पढ़ा कहाँ तक है? सेकंड ईयर। नहीं, ये दीनी एतबार से आपने कहाँ तक पढ़ा? दीनी एतबार से पढ़े है, कुरान शरीफ पढ़े है, उसके बाद में थोड़ा सा उर्दू वगैरह। तो आपने जो ये लफ्ज बोला है इल्मे गैब? जी, इल्मे गैब की बात नहीं बोला, इल्मे गैब हुजूर का अल्लाह। मैं इल्मे गैब की बात कर रहा हूँ, आलिमे गैब की नहीं कर रहा। आप मुझे ये बताएं, इल्म का मतलब क्या है और गाइब का मतलब क्या है? इल्म का मतलब क्या है जी, और गाइब का मतलब क्या है? इन दोनों लफ्जों का मतलब आप मुझे बताएं, फिर मैं आपसे बात करूँगा। गाइब का मतलब यही है छुपी हुई चीज को बताना जी। और इल्म, इल्म किसे कहते हैं? इल्म जी, इल्म इल्म जैसा हासिल किया जाता है? नहीं, इल्म लफ्ज, इल्म का लघवी माना क्या है? यूँ समझ लीजिए कि आप स्कूल में सेकंड ईयर तक पढ़े हैं, तो लफ्ज इल्म होता है, एक वर्ड है इल्म, तो उस इल्म का डिक्शनरी के एतबार से क्या मीनिंग होगा? जैसे मैंने अभी आपको ये गैब का मतलब बताया, छुपी हुई चीज को बताया जाता है, ये गैब है ना? जी जी, गैब, गैब को आप एक तरफ रखें, आप सिर्फ इल्म की डिक्शनरी वाली जो मीनिंग है वो मुझे बताएं। शायद मुझे पता नहीं है, बता दीजिए जी। इल्म होता है जानना, जानना जी, इल्म जानने को कहते हैं। बोले हासिल तो वो तो इल्म हासिल किया, लेकिन जानने को इल्म कहते हैं। और जब हम लफ्ज इल्मे गैब पे बात करते हैं ना, तो इल्मे गैब ये दो वर्ड हैं, इन दो वर्ड ये दोनों अलग अलग हैं। हम सिर्फ इस लफ्ज को देखेंगे कि इसका इतलाक किससे दुरुस्त है। रब्बे कायनात पे इसका इतलाक दुरुस्त है, उसके अलावा कौन कौन शख्सियात है जिनसे इल्मे गैब का इतलाक दुरुस्त है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्मे गैब है, इसका इनकार कोई नहीं करता है। कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब यानी छुपी हुई चीजों को बताने वाले हैं, उनको अल्लाह ने ये इल्म अता फरमाया है कि वो छुपी हुई चीज को बताते हैं। मसलन सुने 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 मसलन मैं
और मैं और आप हैं इस वक्त, हम 1443 हिजरी में इस वक्त यहाँ पे दुनिया में हैं, है कि नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर रब्बे कायनात ने गैब पर इतला ना दी होती तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत और जहन्नम के मनाजर हमें किस तरह समझाते। तो अल्लाह के एक मिनट मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। नबी अलैहि सलातु व तस्लीम को जो लफ्ज इल्मे गैब का इतला करते हैं वो दुरुस्त नहीं है, बात सुने पूरी पहले मेरी। जो वर्ड है, जो जुमला है ना, ये लफ्ज जो है इल्म और गैब, ये जो लफ्ज इल्मे गैब है सिर्फ इसका इतलाक नबी अलैहि सलाम पर अकायदन दुरुस्त नहीं है, लेकिन नबी अलैहि सलातु व तस्लीम को गैब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया है इसमें शक नहीं है। बात समझ रहे हैं? उम्मीद करता हूँ आप समझे। देखिए मसला जो झगड़ा है ना, आज झगड़ा मैंने और आपने बनाया हुआ है, झगड़ा कोई नहीं है, झगड़ा सिर्फ इल्मे गैब का, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सिफ्त है, इल्मे गैब ये रब्बे कायनात की एक सिफ्त है, ये सिफ्त खासा है अल्लाह के लिए। लेकिन जो गैब का इल्म है जिसे हम छुपी हुई बातों का जानना कहते हैं, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुपी हुई बातों पर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसके ऊपर मुतल्ले फरमाया है, यानी छुपी हुई चीजों को वो खुद बता सकते हैं, अल्लाह ने उनको वो इल्म अता फरमाया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद सारी दुनिया में पूरी कायनात में सबसे ज्यादा इल्म अगर किसी को अता हुआ है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता हुआ। लेकिन बहुत सारा इंसान है जो यही का है, हम जहाँ पे अभी असम में हैं जी, तो मतलब जो है, लेकिन वो चीज को साफ एकदम भाई मोड़ करते हैं। मैं भी जो बंदी मान सकते हूँ, तो एकदम इनकार करते, यहाँ तक बोला कि मेरा अकीदा यहाँ तक है जी, तो कोई चीज में हम उनको ऐसे ऐसे बातें बताए थे कि जैसे औरत के पेट में लड़का या लड़की है वो बता सकते हैं। नहीं, इस मुताल्लिक से कुरान पाक में रब्बे कायनात फरमाता है कि चंद चीजें हैं जिनका इल्म मैंने किसी को नहीं दिया। अच्छा, जो मेरे पास मौजूद है उनमें से एक चीज है कि इंसान के रहम यानी औरत के रहम यानी पेट में बच्चा है, औरत है या लड़की है। अलबत्ता मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा रहे थे और वहाँ एक कब्र थी, गालिबन दो कब्रें थी, उन दो कब्रों में अजाब हो रहा था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ पे रुक गए और उन्होंने एक टहनी ली, टहनी समझते हैं आप, टहनी दो टहनियाँ ली, तो वो कब्र मुबारक को उन कब्रों पे रख दी, तो वहाँ पे अजाब होना खत्म हो गया। तो सहाबा ने देखा कि ये माजरा तो हम समझ नहीं पाए, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूछा, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों को अजाब हो रहा था और जब तक ये टहनियाँ इनके कब्र के ऊपर रहेंगी तब तक इनको अजाब नहीं होगा। तो अब देखिए कब्र के अंदर तो एक मुर्दा है और वहाँ पे वो छुपा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है लोगों की आंखों से, लोगों के दिमाग से वो सारी चीजें बाहर हैं, वो नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो छुपी हुई बात थी उससे मुतल्ले फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्र के अंदर के हाल को भी जान लिया। ठीक है, मैं देखिए इख्तलाफ में सिर्फ आपको फिर भी कह रहा हूँ, इख्तलाफ हमारा जो है ना, इख्तलाफ किसी जगह सब मौलवियों ने फसाद फैलाया हुआ है। असल इख्तलाफ जो लफ्ज इल्मे गैब है ना, इसका इतलाक सिर्फ अल्लाह के लिए है, ये हम किसी और के लिए इसका इतलाक दुरुस्त नहीं है सिर्फ लफ्ज का। लेकिन जो गैब का इल्म है वो अल्लाह के अलावा भी है, अल्लाह के अलावा, जैसे कि मुझे जन्नत का पता है, जहन्नुम का पता है, लेकिन अल्लाह का जो इल्म है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी ने नहीं दिया, वो अल्लाह का अपना जाती है। हाँ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता करदा है। हाँ, वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म अता फरमाया है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया, लेकिन अल्लाह का जो इल्म है वो किसी ने नहीं अता फरमाया, क्योंकि उनको जाती है, तो उनका अपना इल्म। अभी तो हम लोग आप लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो हम लोगों का जाति नहीं है, तो आता ही नहीं है। बिल्कुल, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अना कासिमुन वल्लाहु युती, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाते हैं और मैं बांट देता हूँ,
जी, इसका माना यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म अता फरमाया और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आगे हम तक बांट दिया। हम जो बात कर रहे हैं जी, तो वो नबी जानते ही नहीं, हम आपसे ये जानते हैं। कौन सी चीज? जो बोले कि औरत के पेट में लड़का है या लड़की। मेरे इल्म में वो आयत नहीं है। अच्छा। जी थोड़ा मैं पांच चीज सर हजरत, ये पांच चीज है जो अल्लाह ने जी, आप जरा एक मिनट होल्ड पे रहे, मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी पांच चीज है। আপুনি কথা পাতি থকা ব্যক্তিজনে আপোনাৰ কল হোল্ডত ৰাখিছে, অনুগ্ৰহ কৰি লাইনতে থাকক। আপ জিছ ব্যক্তি সে বাত কৰ ৰহি হে উন্হোনে আপকে কল কো হোল্ডত ৰখা হে, কৃপয়া লাইন পর বনি ৰহি। দ্য পার্সন ইউ আর স্পিকিং উইথ হ্যাজ পুট ইয়োর কল অন হোল্ড, প্লিজ ষ্টে অন দ্য লাইন। আপুনি কথা পাতি থকা ব্যক্তিজনে আপোনাৰ কল হোল্ডত ৰাখিছে, অনুগ্ৰহ কৰি লাইনতে থাকক। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहे। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपने कथा पाती थका व्यक्ति जने अपना कॉल होल्ड पर रखिसे, अनुग्रह करि लाइन में थको। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहे। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. আপুনি কথা পাতি থকা ব্যক্তিজনে আপোনাৰ কল হোল্ডত ৰাখিছে, অনুগ্ৰহ কৰি লাইনতে থাকক। আপ জিছ ব্যক্তি সে বাত কৰ ৰহি হে উন্হোনে আপকে কল কো হোল্ড পৰ ৰখা হে, কৃপয়া লাইন পৰ বনি ৰহি। The person you are speaking with লাইন পৰ হে। हेलो हेलो जी जी, क्या नाम है? सैयद यासिर नाम है मेरा। सैयद यासिर जी जी, आप देवभूमि से ताल्लुक रखते हैं? जी। तो भाई बता रहे थे कि आप के ताल्लुक से क्या अकीदा रखते हैं? जी नबी अलैहिस्सलाम के इल्म के ताल्लुक से क्या अकीदा रखते हैं? आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं जमशेद अली कादरी बोल रहा हूँ। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से जी। तो आप कौन से फिरके से हैं? जी मैं अहले सुन्नत वल जमात अहनाब बरेलवियत से ताल्लुक रखता हूँ। आप बरेलवियत से हैं? जी। आप बरेलवी हैं? जी। तो फरमाएं। जी मैं वो पूछना था, आपका मौकिफ पूछना था इल्म-ए-रियाज़त के ताल्लुक से नबी अलैहिस्सलाम के लिए क्या समझते हैं आप? आप मुझे ये बताएं। हाँ। आपकी मस्जिद है थोड़ी सी सलमी से, ये आपकी तालीम के मुताबिक थोड़ा जानना चाहूँगा। जी मेरी तालीम तालीम इल्म है। जी कहाँ तक पढ़े हैं, कौन से दर्जे में हैं? दर्जे में नहीं हजरत, मैं कभी मदरसे में नहीं गया, मैं उलमा की सोहबत में रहता हूँ। अच्छा, आप उलमा की सोहबत में रहते हैं। अच्छा, मतलब आप मदरसे में नहीं गए हैं? जी नहीं। तो आप स्कूल में पढ़े होंगे? जी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हैं अगर? जी मैं ग्रेजुएशन किया मैंने। माशाल्लाह, अगर अरबी से वाकिफ होगी आप? जी थोड़ी और। अच्छा मुझे बताएं, इल्म गैब जो दो लफ्ज हैं, इल्म और गैब, इल्म और गैब, इन दोनों लफ्जों का अलग अलग माना समझना चाहता हूँ हजरत, वो भी लफ्जी माना। जी इल्म का मतलब होता है जानना। जी किसी चीज को, किसी बात को। हाँ हाँ। किसी तालीम को लेना, जानना मतलब। हाँ, किसी चीज को जानना। बिल्कुल बिल्कुल, जानना तो लफ्ज़ आम है ना। जी हाँ। वो तो किसी भी समझ में नहीं आएगा। जी इल्म का मतलब लेना है, इल्म का ताल्लुक ये होता है कि किसी भी चीज का इल्म लेना। जी जी। किसी भी मजहब का हो, किसी भी किताब का हो, मिसाल के तौर पे कि मैं दसवीं क्लास की किताबों को नहीं जानता हूँ, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ लिया मेरे को इल्म हो गया। किसी चीज को जानना। और गैब का जो आपने बताया, गैब का वो चीज होती है कि गैब की तारीफ अलग अलग। आप मुझे एक ही तारीफ होती है। आप मुझे लगवी एतबार से गैब की एक तारीफ बताएं।
गैब की एक तारीख बताएं लगवी एतबार से। जी गैब छुपी हुई चीज होती है। गैब होती है छुपी हुई चीज जी। मेरा मौकिफ आप पूछ रहे थे ना, मेरा मौकिफ ये है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज जो है ना इल्म गैब, इस लफ्ज का इतलाक नबी अलैहि सलाम के लिए दुरुस्त नहीं, लेकिन बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किन सारी छुपी हुई चीजें थी जिनके ऊपर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुतल्ले फरमाया। मसलन में इसने इनको बता रहा था ये अरमान भाई को कि वो कब्रें थी रास्ते में, तो आप सल्लम जा रहे थे उनके अंदर अजाब हो रहा था, आपके इनमें होगा वो वाक्य। आपने मुझसे दो चीजों की तारीफ पूछी, मैंने आपको बता दिया जी। नहीं आपने मौके पूछा तो मैं बता रहा हूँ। मैं आपको एक मिनट बताइए, मैं आपसे इल्मे गैब की तारीफ पूछना चाहता हूँ। उलमा इकराम से अइमा से काबिल ने इल्मे गैब की तारीफ क्या की है? आपने मुझसे मेरा मौके पूछा है, फिलहाल मैं आपको अपना मौके बता रहा हूँ, समझ रहे हैं? अच्छा चलिए आप अपना मौके बता दें जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इल्म गैब की क्या तारीफ की है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि जैसे इनको बोल रहा था मैं अरमान भाई को कि जो कब्रें वो आपके जहन में अगर वाकया होगा कि दो कब्रों के अंदर आजाब हो रहा था, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने टहनियों के जरिए से वो अजाब रखवा दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र के अंदर का इल्म हो गया था, मगर ये इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अता फरमाया था। और जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक इल्म गैब के मुतालिक जब पूछा जाता है, तो अकायदन इल्म गैब का इतलाक आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर तो दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता जो इसका हम माना करते हैं माने के एतबार से और फिकही एतबार से जब हम इस चीज को बताते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब साबित होता है। इल्म गैब साबित होता है जी, इल्म गैब तो साबित होता है जाहिर है, लेकिन जब लफ्ज इल्म गैब हम अकायदन बताते हैं तो अकायदन उसका एक इतलाक आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, थोड़ी सी वजाहत करें अगर। किस चीज की दुरुस्त क्यों नहीं है? दुरुस्त क्यों नहीं है? इल्म गैब जो लफ्ज है ये रब कायनात के लिए खास है। अच्छा, ये कहाँ लिखा है जी? कहाँ लिखा है कि ये रब कायनात के लिए खास है? इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि इल्म गैब जो सिफ्त है ये एक सिफ्त है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो इल्म है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी ने अता नहीं दिया है। मतलब जात के एतबार से अल्लाह का खास है? जी, जात के एतबार से अल्लाह का खास है जी। अताई के एतबार से? अताई के एतबार से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या दीगर अंबियाए किराम की बात करें तो उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैब का इल्म अता फरमाया। अच्छा अच्छा, जरा ये बता दे कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितना गैब अता फरमाया? कितना गैब, ये जहाँ में कितना आ जाता है ना, तो वहाँ पे सिर्फ मैं इतनी बात कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद पूरी कायनात में अगर किसी को सबसे ज्यादा इल्म है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चले, तो आपने ये चीज को मान लिया है ना? मान क्या लिए, ये तो जाहिर है। अच्छा, मतलब बाज़ उलूम ग़ैबिया आपने नबी का इख्तियार, बाज़ उलूम ग़ैबिया का इकरार आपने कर लिया? हाँ, नबी अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैब छुपी हुई चीजों का इल्म तो बताया है, इसमें कौन सा इख्तलाफ है? इख्तलाफ ये है कि किताब है सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम दूसरी, दूसरी है तकवियतुल ईमान। हाँ, तकवियतुल ईमान, ठीक। उसमें शाही इस्माइल दहलवी साहब ने लिखा है कि अगर किसी ने हुजूर के बाद इल्म के गैब का भी इस्तेमाल किया तो वो भी काफी था। अच्छा, उन्होंने अकायदन लिखा होगा? आपको अकीदा नहीं है क्या आपका कि हुजूर को बाद इल्म गैब है? मैं अभी तक क्या कह रहा था, अकीदत अकायदन में कह रहा हूँ दुरुस्त नहीं है, आप फिर से वही बात कर रहे हैं। जी, ये तो फिकही इस्तलाह है ना, हल्दी दे दो जी, मसला अकायद का है। किसी ने अगर
खुली हुई जी, वो भी काफिर है। हाँ तो अकायदन अकायदन तो मैंने वही कहा हजरत, उन्होंने अकायदन लिखा है। तो आपका अकेला नहीं है क्या उसको तो बाद में? मैं फिक्री इस्तिलाह के मुताबिक कह रहा हूँ। फिक्री इस्तिलाह का क्या मुराद होता है? या तो अकेला हो या गुल्ला हो। आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप मुझे वो स्कैन भेज देंगे अभी? मैं बिल्कुल आप जी आप स्कैन भेजिए। अच्छा आप दूसरी चीज कर लो, वो तो मैं स्कैन भेजना मेरी जिम्मेदारी, आप जवाब दे। नहीं अभी आप भेजिए, मैं देख रहा हूँ। अरे मैं भेज दूंगा ना, जरूरत मना थोड़ी कर रहा हूँ आप। अभी भेजे ना, अभी जब हमारी गुफ्तगू है, आपकी बात हमारी गुफ्तगू हो रही है तो अभी आप भेजे। मैं भेज अभी भेजू फोन काट के? फोन काट के क्यों, मैं आपको बगैर फोन के काटे भेज सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं मुझे देखिए निकालना पड़ेगा। हाँ तो निकाल लीजिए हजरत, निकाल लीजिए। अच्छा तो रुकिए मैं आपको फोन काट के। नहीं नहीं काट क्यों रहे हैं आप, बस ऐसे लगे रहने दीजिए। चलिए ठीक है एक मिनट रुकिए, आप निकालें मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं। ठीक है ठीक है। अरमान भाई, अरमान भाई जी हाँ बोले, 10 मिनट रुकिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है जी जी। हेलो कश्मीर वाला भाई। हाँ जी हाँ जी, वो किताब से निकाल रहे हैं क्या चीज पूछ रहे थे? हाँ निकालने दीजिए कोई मसला नहीं, उन्होंने एक हवाला दिया था तो मैंने कहा वो निकाल लीजिए, आपके पास निकाल देंगे निकालेंगे। हाँ कोई मसला नहीं, कोई मसला निकाल डायरेक्ट भेज देंगे ना, अल्लाह बेहतर जाने मुझे भेजेंगे। आप भी चेक करते रहे, मैंने भी व्हाट्सएप खोला हुआ है। व्हाट्सएप है ना आपका? हाँ जी बाद में कर लेंगे। अरे तोर बनवा दू आदमी बनी सन काश्मीर आसाम कलकत्ता दिल्ली वाला जी। कॉल आपका भी शायद रिकॉर्डर पे है और मेरा भी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। हाँ जमशेद भाई भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और मेरा भी रिकॉर्डिंग पे चल रहा है, तो इसलिए आप बीच में ये मजाक करेंगे तो नहीं, ये लाइव लड़का सुनने के लिए तैयार है, बोल रहे हैं पर लाइव सुनेंगे। ये लाइव सुनने का लड़का दिल्ली से है, कलकत्ता से है, मतलब बोल रहा था ना हमें। अच्छा ये कलकत्ता से है? कलकत्ता से है ये, तो लाइव सुनने के लिए रेडी है, तो इसको टाइम मिला है, रविवार है तो सुनेगा। अच्छा कोई और साथी भी सुन रहे? नहीं नहीं हम तीन हैं। जमशेद भाई अब कॉल करेंगे डायरेक्ट मुझे, हम ही करेंगे, आपका नंबर नहीं है उनके पास में, उन्होंने काट दिया क्या? हाँ तो हाँ बोले नहीं है कि हाँ किताब निकालने जा रहे हूँ। मैंने तो कहा था कि आप जो है निकाल लीजिए, मैं होल्ड पे रखूँगा। अच्छा फिर भी वो चलेंगे, हर कोई मसाला नहीं। आप ही कहे तो क्या बोले तो उनका नाम पता नहीं कश्मीरे का है, वो इनमें सब को इनकार कर रहे थे, उनको बता देने तो अच्छा रहता। कौन है? कश्मीर का ही है, कश्मीर और नहीं। इनमें सब का कायदा इनकार कर रहे थे ना? नहीं नहीं हम जो आपसे बातें बोले हैं ना, तो आप बोले हैं कि नहीं ये सब है हाफिज। नहीं मैंने जो चीजें बोली हैं जी, मैंने जो चीजें बोली हैं जी जी, वो जमशेद भाई समझ गए हैं, आप थोड़ा नहीं समझ पाए हैं। ना ना हम समझे हैं आपका बात। नहीं क्योंकि मैंने बाज चीजें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिनका आप शायद नहीं समझ पाए। मैंने लफ्ज में गैब के इतलाक के मुताबिक बोला हूँ। कश्मीरी। अच्छा हाँ वो उनके साथ मेरा एक मरतबा रब्ता था लेकिन अभी कट गया है। नंबर हो उनका तो मुझे इरसाल कर दे। हाँ तो ये नंबर मेरे पास है, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। लास्ट नंबर मेरे है जी, व्हाट्सएप कर देना। इसने जब कोई इनकार किया है और बोल रहे थे कि हाँ मगरिब का आज़ान बात करेंगे, तो हाँ तो मगरिब का आज़ान 7:50 होता है। 7:50 में होता है मगरिब का आज़ान? हाँ हमारे यहाँ 7:50 से नमाज होती है। हाँ तो ठीक है तो। जी ना डालाना
ठंडा होना। उनकी कॉल आई, चले ठीक है, जब वो कॉल करें तो आप मुझे कॉल कर लेना। नहीं मैं थोड़ा हाँ। इतना जरूरी थोड़ा नहीं सही बैठा लगवा। किसका नंबर है? दिल्ली से वही है। अरमान भाई मतलब बोले हैं उनसे बात करने के लिए, हम भी मतलब सुनना चाहते हैं। अब ठीक है ना, जैसे वो कॉल करें आप मुझे कॉल कर देना। हाँ तो हो रहा है तो बात की एक मोर लगा रहा है फोन पर भाई। इतना टाइम नहीं है कि हर वक्त मैं लगा रहा हूँ, फ्री थोड़ी बैठे। हाँ जी बतिये करेगी।